22 जनवरी को भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इस दिन यूपी के अयोध्या में 550 साल पूर्व से चल रहे विवादित राम मंदिर के निर्माण होने पर मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से तरह तरह का सहयोग किया जा रहा है। राजधानी जयपुर से तेल के पीपे, कंबल और प्रसाद पैकेट अयोध्या भेजे गए हैं। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां इन दिनों परवान पर हैं। 22 जनवरी के दिन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए हर राज्य अपनी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। राजस्थान के भी विभिन्न हिस्सों से तरह तरह का सहयोग अयोध्या भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर से तेल के पीपे, कंबल और प्रसाद के पैकेट अयोध्या भेजे गए हैं। बुधवार को जयपुर के चांदपुर स्थित गंगा माता मंदिर से सरसों के तेल के 2100 पीपे अयोध्या के लिए रवाना हुए। सीएम मदन लाल शर्मा और सांसद राम शरण बोहरा ने मंच से तेल के पीपों के ट्रकों को केसरिया झंडी दिखाकर रवाना किया। रिपीट, ये तेल सीता रसोई में तैयार होने वाले भोजन और प्रसादी के काम में लिया जाएगा। तेल के अलावा राम भक्तों को सर्दी से बचने के लिए कंबल का सहयोग भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के प्रसिद्ध बैंडों ने भी राम धुन बजाकर अपनी प्रस्तुतियां दी। ट्रस्टी मनोज मुरारका ने बताया कि यह 2100 पीपे सरसों का तेल खास तरीके से तैयार किया गया है। इस तेल की तैयार करने के लिए कारखानों को बाकायदा शुद्धिकरण किया गया। वहीं सरसों का तेल बनने की पूरी प्रक्रिया के दौरान कारखानों में पंडितों का राम नाम जप शुरू रहा। तेल बनाने के लिए उपयोग में हुई सरसों देश के अलग अलग कोनों से मंगवाई गई, जिससे कि तेल में पूरा देश का अंश हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीता रसोई कई मायनों में खास है, क्योंकि यह राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। 22 जनवरी से यहां करीब 40 भोजनालय चलेंगे। भोजनालयों में भोजन प्रसादी बाकायदा टेबल कुर्सी में बैठकर परोसा जाएगा। कई लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन खिलाने की व्यवस्था भी यहां पे की गई है। सीता रसोई मंदिर की संपत्ति पर पूरी तरह यूपी सरकार का स्वामित्व है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र को भी आना था, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से नहीं आ पाए। आज बहुत ही सुखद पल है। 528 साल से पूर्वज माला फेर रहे थे, कब मेरे प्रभु राम टेंट से निकलेंगे और पक्के भवन में महल में विराजेंगे। तो ये खुशी है साहब, बहुत बड़ी खुशी है। 528 साल का संघर्ष समाप्त हुआ है, पूर्वजों की इच्छा पूरी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने कहा वो काम हो गया, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। उसी खुशी में आज जयपुर नगर अपरा काशी की भक्तों की इच्छा थी कि जो माँ सीता जानकी जी की रसोई चलेगी, माता जानकी जी का भंडारा चलेगा, उस जानकी जी के भंडारे में सबकी इच्छा थी कि माँ भंडारे में हम सेवा देवें। आज उस सेवा की शुरुआत की गई है। धर्म यात्रा महासंघ और विश्व हिंदू परिषद और भजन संध्या परिवार और यहाँ के राम भक्तों के द्वारा ये सेवा की शुरुआत हुई है, जहाँ हजारों मण राशन का सामान, तेल, घी, चीनी और लड्डू, ये प्रसादी की सेवा से शुरुआत हुई है। ये प्रतिदिन ऐसे ट्रक जाने वाले हैं हर कोने से, और वहाँ जो राशन सामग्री जाएगी माता जानकी जी को समर्पित होगी और भंडारा बनेगा। संत और भक्त जो दर्शन को आएंगे वो भंडार प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो जो इतने सुखद पल है, इतना अच्छा आज अनुभव हो रहा है कि पूर्वज तो कल्पना करते चले गए राम जी के भव्य दिव्य मंदिर के दर्शन की, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन हमारी इस पीढ़ी को ये सौभाग्य मिला है भगवान राम के दर्शन का, उसी सेवा में समर्पित इसकी शुरुआत एक छोटी सी आज की गई है। और ये हजारों टन मण प्रसाद का प्रतिदिन के 10-5 ट्रक जयपुर से रोज जाएंगे। हमारे तक तो ऐसी कोई चर्चा आई नहीं है, लोग कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि बहुत अच्छा मुहूर्त है ये। और राम जी के लिए तो मुहूर्त की क्या जरूरत है, स्वयं राम मुहूर्त है, दुनिया के मुहूर्त ही वह हैं। तो प्रभु राम का काम है तो सबको राम के काम में लगना है। लाखों कार सेवकों का, लाखों संतों का बलिदान और हमारे पूर्वजों की कामना, इच्छा, राम भक्तों की इच्छा, हनुमान चालीसा के करोड़ों पाठ का जो फल है, वह फल मिल रहा है हमें। राम जी का भव्य दिव्य मंदिर, माँ जानकी जी विराजमान है। जानकी जी खुद इंतज़ार करती थी कि मेरे प्रभु राम जो दुनिया को महल देते हैं वो टेंट में बैठे हैं, तो वो टेंट से भगवान राम महल में आ रहे हैं। वो खुशी है कि भगवान राम महल में विराज रहे हैं, तो खुशी है, उसको आनंद लेना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। इसमें क्या विरोध करना चाहिए? विरोध तो करने वाले थे वो निपट गए। वो राम जी के सेतु को तोड़ने की बात करते थे, राम मंदिर नहीं बने उसके पक्ष में खड़े होते थे, और राम जी का मंदिर न बन पाए उसके लिए जो कानूनी पेचिदियां फंसानी थी उन्होंने खूब फंसाई। लेकिन भगवान राम कामना हमारी पूरी किए और हनुमान बनकर भक्तों की कामना, भक्तों ने जो बलिदान दिया वो बलिदान पूरा हुआ, और प्रधान सेवक बनकर, हनुमान बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और राम मंदिर बन के तैयार हुआ। वे खुशी के पल है, सबको इसका आनंद लेना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म यात्रा संघ और श्री श्याम भजन संध्या परिवार को
अयोध्या श्री के श्री चंपत राय जी ने निर्देशित किया कि राजस्थान में सरसों सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, इसलिए सीता रसोई के लिए आप लोग 2000 तेल के पीपे यहाँ से इकट्ठे करके और पहुँचाओ। हालांकि अपने राजस्थान में सारे ऑयल मैन्युफैक्चरर सभी लोग एक एक लोग ही इसको पूरा करने के लिए तैयार थे, लेकिन निर्देश यही था कि जन जन से अलग अलग लोगों से इकट्ठा करके और ये सारे पीपे आप भेजो, जिनसे जनता के बीच में ये भावना जगे कि कैसे हमने राम मंदिर के लिए थोड़ा सा सहयोग किया। आपको बता दें ये 2100 पीपे 2000 की जगह 2100 फिर हमने इकट्ठे कर दिए। ये 2100 पीपे जो राम रसोई 22 तारीख को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद एक महीने तक वहाँ पे उन्होंने रहने और खाने की लगभग 1,00,000 व्यक्तियों की व्यवस्था करी है, जो रोज दोनों समय का भोजन नाश्ता वो जो रसोई में बनेगा वो ये चाह रहे हैं कि इसी तेल का उपयोग हो। तो आज अपने राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान में निर्मित राजस्थान में पैदा हुई सरसों का तेल बनकर और राम सीता रसोई के लिए भेजा जा रहा है। आज का जो उत्सव है हमें ऐसा लग रहा है जैसे राम जी खुद ही यहाँ विराजमान हो गए, और ये एक जयपुर नहीं एक अयोध्या नगरी नजर आ रही है। चारों तरफ ऐसा उत्साह का माहौल है, जो 2100 पीपे तेल के जयपुर से रवाना किए जा रहे हैं उसके इतने उत्साह उल्लास से किए जा रहे हैं कि पूरे जयपुर में राम ही राम का नाम चारों तरफ हो रहा है और सबके दिलों में राम बसे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि चारों तरफ अयोध्या नगरी सा माहौल हो जाए कि हम जयपुर में नहीं अयोध्या नगरी में ही रह रहे हैं, और हम सबके मन में चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति के मन में राम का निवास हो, कि राम का निवास हो, कोई के मन में कोई व्यक्तिगत भेदभाव न हो, सब एक ही जाति है, कोई यहाँ हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है, सबकी एक जाति एक परिवार हो के और इस काम को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जयपुर से 2100 पीपे तेल के अयोध्या रवाना किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी प्रसन्नता और उल्लास की बात है।